ऐसा कौन सा खास ट्रीटमेंट मिला है शहनाज को और गिल को जो कि बाकी के विनर्स को भी नहीं मिले हैं बिग बॉस के अब तक। हेलो गाइस, वेलकम टू द चैनल फ्लैश 24। मैं सौमित्रा, मैं आपके लिए लेके आई हूँ फिर से एक खास वीडियो। हालांकि मैं अभी आपको जो बोलने वाली हूँ ये इसकी थोड़ी बहुत बातें हम लोग कल रात अपने लाइव में डिस्कस कर चुके थे और वी वर द फर्स्ट टू डिस्कस ऑन दिस, बट फिर भी मैं आपको आज और अभी और डिटेल्स में बोल रही हूँ। सो गाइज, वो स्पेशल ट्रीटमेंट क्या था? वो स्पेशल ट्रीटमेंट ये था कि शहनाज को और गिल एक लौटी कंटेस्टेंट थी कि जिनको और जिनकी एंट्री अलग गेट से हुआ था। सिद्धार्थ शुक्ला के जाने के बाद शहनाज को और गिल इवन उसके टीम उसके फैमिली नहीं चाहती है कि शहनाज अभी मीडिया में इतना पैप्ड हो ताकि उनको ये सारे क्वेश्चन वो फेस ना करना पड़े और उनका इमोशनल ब्रेकडाउन ना हो। सो जब शहनाज राजी हुई बिग बॉस 15 में आने से तो शहनाज की जो अभी टीम है, हालांकि ये वही टीम है जो सिद्धार्थ शुक्ला के लिए काम करती थी, सिद्धार्थ की टीम अब बन चुकी है शहनाज की टीम और सिद्धार्थ के फ्रेंड्स अब बन चुके हैं शहनाज के फ्रेंड। जी हाँ, इन लोगों ने अपनी फ्रेंडशिप अपनी दोस्ती सिद्धार्थ और शहनाज के लिए बरकरार निभाई और उन लोगों ने मेक श्योर किया कि शहनाज को और गिल पैप्ड ना हो और इसके लिए उन लोगों ने इतना एंश्योर कर दिया कि शहनाज की एंट्री एक अलग गेट से हो। जैसे आप जानते हो बाकी के कंटेस्टेंट सारे बाहर पैप्ड भी हुए हैं, उनके कार बाहर पैप्ड हुए हैं, उनके वैनिटी सेट के बाहर है, पर शहनाज को और गिल एक ऐसी लौटी कंटेस्टेंट है जिनके लुक्स जिनके बारे में किसी को नहीं पता था क्योंकि वो पैप्ड ही नहीं हुए थे अनलेस अंटिल शहनाज ने अपनी फोटो इंस्टाग्राम में डाली। और वो पैप्ड इसलिए नहीं हुए थे क्योंकि उनके टीम्स जो कि है सिद्धार्थ की टीम और सिद्धार्थ के दोस्त, उन लोगों ने ये मेक श्योर किया था कि शहनाज की जो कार है वो सेट के अंदर तक जाए और शहनाज की जो वैनिटी है वो सेट के अंदर ही रहे ना कि बाहर। जी हाँ गाइस, शहनाज को और गिल एक लौटी कंटेस्टेंट है जो कि विनर नहीं है, पर उनके लिए ये स्पेशल ट्रीटमेंट था, उनका वैनिटी और उनका कार अंदर तक गया और वो भी एक अलग गेट से। तो ये एक बहुत बड़ी चीज है शहनाज के लिए क्योंकि शहनाज को वो इम्पोर्टेंस वो वैल्यू दिया गया है क्योंकि बिग बॉस के हर कोई बिग बॉस के प्रोडक्शन टीम मेकर सबको पता है कि शहनाज कौर गिल और सिद्धार्थ शुक्ला है कितने इमोशनली अटैच थे। तो शहनाज के लिए यहाँ पे आना इस सिचुएशन में आके सिद्धार्थ को ट्रिब्यूट देना ये बड़ी बात बहुत ही बड़ी बात है। किसी लड़की में कितनी हिम्मत होनी चाहिए कि ये ट्रिब्यूट आके दे। सो उन लोगों ने ये इंश्योर किया कि शहनाज जो डिजर्व करती है अगर वो इतना कर रही है तो इसके लिए वो डिजर्व जो करती है वो उनको दिया जाए और उनको वो मिला। और जैसे कि गाइस मैं तो इंतजार कर रही हूँ क्योंकि जैसे प्रोमोज और हमारे लास्ट के वीडियोस आए हैं और शहनाज को इतना इमोशनल देख के हम सभी इमोशनल होने वाले हैं। लिटरली प्रोमोज देख के ही तो मेरे बुल्स बम्स आ गए थे। तो आपको भी कैसा लगा और आपको कैसा लगा कि मेकर्स ने शहनाज के लिए इतनी केयर की और शहनाज का ये अप्रोच आपको कैसा लगा हमें जरूर कमेंट करके बताइए। टिल देन टेक केयर, मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय बाय।